आइए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये बात गूगल ट्रेंड्स ने भी साबित कर दिया है। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक योगी आदित्यनाथ पूरे देश में पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्रियों में से सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले नेता हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन रोड शो निकाल रहे हैं, जनता को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उधर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री में से सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले नेता साबित हो रहे हैं। वहीं बुलडोजर बाबा की लोकप्रियता अपने चरम पर है। अपनी कार्यशैली और एक्शन प्लान को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। फिर चाहे गुंडे मवालियों को सजा देना हो या फिर किसी बड़े अधिकारियों की क्लास लगानी हो, या भी बता दें कि चुनावी मैदान हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, योगी आदित्यनाथ की रफ्तार के आगे विपक्षी पीछे छूटते जा रहे हैं। वहीं सीएम योगी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के भी महाराज बनने की राह पर है। बताते चले कि ना सिर्फ यूपी में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में योगी को पसंद करने वालों की बड़ी संख्या है। वहीं योगी आदित्यनाथ जितना लोकप्रिय आम जनता के बीच हैं, तो सोशल मीडिया पर भी उनके उतने ही अधिक फॉलोवर्स हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर योगी ने बड़े बड़े महान दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। यही नहीं, वह पिछले एक साल से नंबर वन पोजीशन में थे। यह ट्रेंड उस समय चर्चा में आया जब बीजेपी ने यूपी के सीएम को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के रूप में चुना था। ट्रेंड के अनुसार पिछले 30 दिन से योगी आदित्यनाथ सबसे पहले नंबर पर सर्च किए जाने वाले नेता बने। उसके बाद दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, और इसके बाद चौथे नंबर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, और उसके बाद नाम आता है पांचवें नंबर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। ट्रेंड के मुताबिक गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी योगी आदित्यनाथ सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लोकप्रियता के मामले में काफी आगे। उन्होंने इस मामले में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले बीते दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस दौरे पर देश के उद्योगपतियों से भी मिले। साथ ही बॉलीवुड के महान दिग्गज निर्माता और निर्देशकों से भी मुलाकात करी थी। इस मीटिंग के दौरान यूपी को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया के नाम से भी प्रमोट किया गया था। इसी के साथ बॉलीवुड के महान दिग्गजों ने अपनी बातें सीएम योगी से कही थी। इसी बीच सुनील शेट्टी ने हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड को हटाने की भी मांग की। आपको बता दें कि सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड मुद्दों पर क्या क्या बातें की। सुनील शेट्टी ने कहा कि बॉलीवुड के अंदर 90% लोग ड्रग्स नहीं लेते और वे खूब मेहनत करके लोगों तक काम पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि बॉलीवुड की छवि को सुधारा जाए और साथ इस हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को पूरी तरह से हटाया जाए। आपको बता दें कि सीएम योगी और फिल्मी सितारों के बीच हुई बातचीत के दौरान मशहूर बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोनी कपूर ने हिस्सा लिया था। बातचीत को लेकर बोनी कपूर ने कहा कि मेरी एक फिल्म का डायलॉग है, जब मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। इसी के तर्ज पर जब योगी जी ने ठान लिया कि प्रदेश में फिल्म सिटी बनेगी तो वह जरूर बनवा देंगे। वहीं बोनी कपूर ने यह भी कहा कि मैंने अपनी 3 फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में ही की है।